अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी में उत्साह है। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक रामधुन के साथ शुरू हुई। इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारौलिया भी शामिल हुई। राममय हो गई है बीजेपी। और आप देखिए, दफ्तर में जो बैठक हुई बीजेपी के, यहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा के पहले तमाम जो महिला यहां पर मौजूद रही, उन्होंने अनुष्ठान किया है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर मंथन किया गया। क्या मैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके पहले भाजपा पूरी तरीके से राममय नजर आ रही। महिला मोर्चे की बैठक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामधुन के साथ जो है उस बैठक की शुरुआत की जा रही है। तमाम जो महिलाएं हैं राजधानी भोपाल की, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुंची हैं और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी के द्वारा उन पर रामधुन कराई जा रही है। रामधुन के बाद जो है वो बैठक शुरू होगी। लोकसभा की तैयारियों को लेकर बैठक है, लेकिन चूंकि बड़ा पर्व जो है वो 22 तारीख को होने वाला है और यही कारण है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ, जो महिलाएं पहुंची, उनसे रामधुन गाई जा रही थी। ये बताता है कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जीती भी है और इसके साथ ही जो राममय है उसको माहौल को और ज्यादा तेज करने का प्रयास जो लगातार किया जा रहा है, जिसके आप कुछ और महिलाएं हमारे साथ जानेंगे। मैम, आमतौर पर जो बैठकें होती है, आज रामधुन के साथ बैठक हो रही है। जी बिल्कुल, भगवान राम जी का जो उत्सव है जन जन तक पहुंचे और सभी लोग बहुत प्रफुल्लित हैं 22 तारीख को लेकर के। आज ही आप देख रहे होंगे भाजपा महिला मोर्चा भी उसी कड़ी में आकर के आज यहाँ रामधुन गा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हैं वो रामधुन कर रही है, तो ये जो खुशी है वो 22 तारीख की खुशी है। वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है प्रभु श्री राम की और उसी खुशी के चलते आज की बैठक रामधुन के साथ शुरुआत की गई। कैमरा संजय नामदेव के साथ सैलेंसी न्यूज टीम भोपाल। बैतूल में भारी भरकम बिजली के बिल नहीं जमा करने के बाद कनेक्शन कटने से नाराज शहरी क्षेत्र के किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। 217 से ज्यादा किसान गाय के ऊपर बैनर लटकाकर बिजली कार्यालय पहुंचे और विभाग से सही बिजली का बिल देने की मांग की। किसानों की माने तो उन्हें शहर के टैरिफ के हिसाब से बिजली बिल दिया जा रहा है और इसी बात का गुस्सा और इसी बात से नाराज होकर आप देख सकते हैं कि गायों पर पोस्टर बैनर लटकाकर यहां पर आए किसान और उन्होंने कहा कि जो शहरी इलाकों में जिस तरीके से बिजली वसूला जाता है, बिजली के रेट्स तय किए जाते हैं, टैरिफ तय किया जाता है, उसी हिसाब से ग्रामीण इलाकों में भी उसी टैरिफ के हिसाब से बिजली का बिल आया है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान है। अलीराजपुर में शिक्षा विभाग में 20 करोड़ के गबन के मामले में मुख्य आरोपी कमल राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के पुष्कर से पकड़ा। आरोपी पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। कमल राठौर पर 134 खातों में अवैध तरीके से राशि ट्रांसफर कर 20 करोड़ के गबन का आरोप है। बहुत ही एक जो एक मुखबिर था उसके द्वारा सूचित किया गया कि ये जो व्यक्ति है ये राजस्थान की तरफ निकला है और संभवतः ये खाटू श्याम मंदिर भी जा सकता है। पुलिस की जो एक टीम थी वो वहाँ पर पहुँची लेकिन वहाँ पर नहीं मिला वो। बाद में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचित किया गया कि ये वहाँ से निकल चुका है और ये जयपुर और पुष्कर उस तरफ गया है। बाद में पुष्कर पहुंच के हमारी जो टीम थी उसमें सब इंस्पेक्टर पन्नालाल था, हमारे साइबर सेल के राहुल और साइबर सेल के दिलीप, ये तीनों थे और इनके द्वारा उस जो बताए हुए स्थान पर दबिश दी गई और वहाँ पर वो व्यक्ति जो हमारा ना सिर्फ 10,000 का इनामी था बल्कि पूरे जो प्रकरण है जिसपे शासकीय धन का जो गबन का आरोप था उसको हमने पकड़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है और सरयू में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरयू घाट से राम मंदिर तक पैदल भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अब इसी सिलसिले में बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू में स्नान करेंगे। सरयू में स्नान करने के बाद जल लेकर सरयू घाट से राम मंदिर तक पैदल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी 22 जनवरी के लिए लगातार विशेष अनुष्ठान पर पहले से ही हैं। मंदिरों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आ रही है कि सरयू में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री, और सरयू में स्नान करने के बाद जल लेकर सरयू घाट से राम मंदिर तक वो पैदल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नॉन स्टॉप काम करते हैं, यही चीज और यही विशेषता उनकी काफी ज्यादा प्रेरणादायी होती है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू में स्नान करेंगे। सरयू में स्नान करने के बाद वो जल लेकर सरयू घाट से राम मंदिर तक पैदल जाएंगे। तो एक तरफ अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां, तो दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी एक इसको लेकर इंतजाम किया जा रहा है। 21 तारीख को पहुंच सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। 21 जनवरी को कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पहुंच सकते हैं अयोध्या। तो 22 जनवरी की तैयारियां देशभर में जोरों शोरों से चल रही हैं। खंडवा में भी भगवान राम के स्वागत के लिए 21 फीट ऊंची और 400 किलो वजनी प्रतिकृति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला जिस मुहूर्त में विराजित होंगे, ठीक उसी समय ये प्रतिकृति भी लगाई जाएगी, और इसके बाद पूरे शहर को दीयों से सजाकर दिवाली मनाई जाएगी। देखिए खंडवा में अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, और इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। तो ऐसे में भला खंडवा कैसे अछूता रह सकता है। खंडवा में भगवान राम की एक प्रतिकृति बनाई जा रही है जो 21 फीट ऊंची है और जिसका वजन 400 किलो है। ऐसे में ये प्रतिकृति को तैयार क्यों किया जा रहा है, यहाँ के युवाओं से ही जानते हैं क्या कुछ संदेश, क्या कुछ भाव, क्या कुछ कहेंगे। जी, ये जो प्रतिकृति हमने बनाई है ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत बनाई गई है। 22 जनवरी को पूरे देश में उत्साह रहेगा, उसी उत्साह वर्धन के लिए और उसी उत्साह को दिखाने के लिए हम ये प्रतिकृति बना रहे हैं और सराफा चौक पर स्थित करेंगे, जो कि 21 फीट लंबी और 400 किलो वजनी है। कितने दिनों से तैयार हो रही है, कितना समय और लगेगा? ये करीबन 14 दिनों से तैयार हो रही है और 3 दिन और लगेंगे इसको पूर्ण रूप लेने में। कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ प्रतिकृति को तैयार करने में किया जा रहा है? इसके लिए हमने 14 mm की लोहे की शीट तैयार करी है जिसको CNC कटिंग से कटवाया है। इसके बाद में हम इसका कलर करा रहे हैं, जो कि 3 से 4 दिन और लग सकते हैं इसको तैयार होने में। बिल्कुल, कितना उत्साह है 22 तारीख को लेकर? बहुत उत्साह है, सभी पूरे देश में बहुत उत्साह है, और हम भी इस प्रतिकृति के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने इसी तरह भक्ति भाव से इस उत्सव को मनाएं, हर घर में 5 दिए लगाएं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।